बस उसको बीच में डाल दें फरमान। नहीं वो यानी इसको बस अस्सलाम वालेकुम प्राइम स्पोर्ट्स न्यूज़ में तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूँ। दमयाल थंडर प्रीमियर लीग सीज़न 3 का फाइनल मैच स्पार्टन क्रिकेट क्लब और दमयाल थंडर क्रिकेट क्लब दरमियान म्यूजियम क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। स्पार्टन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का लाइनअप हो जाएगा जी, लाइनअप हो जाएगा तिलावत कुरान पाक और उसके बाद सरमनी का बाकायदा आगाज किया जाएगा लाइव। जिन्होंने चलाना है मैं उनसे कंफर्म कर लेता हूं, अगर उनके जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो गया है तो मैं माइक जो है वो हवाले करूंगा। हाफिज तौसीफ हमारे साथ मौजूद है, कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन कर रखा है। हाफिज तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं, तिलावत कुरान पाक और उसके बाद सरमनी का बाकायदा आगाज। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم थैंक्स अ लॉट एंड जज़ाकअल्लाह। हाफिज तौसीफ हमारे साथ मौजूद थे और मैं बिना वक्त इस्तेमाल किए बिना टाइम ज़ाया किए यहाँ पर सबसे पहले इनामात को एक साइड पर रखता हुआ इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ टाइम में अपने मौजूद मेहमानों को भी लूंगा। सबसे पहले आपकी भरपूर ताली में मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पर टीम कैप्टन स्पार्टन से मेरी गुजारिश है प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। आपने जहन में 180 प्लस स्कोर रखा था, 170 जब कंप्लीट हो गया, नो डाउट बहुत बेहतर खेले, 173 कंप्लीट हुआ, क्या जहन में था उस वक्त? जैसे मैंने पहले बताया था, शुक्र है कि हम ये टूर्नामेंट जीते हैं, पूरी टीम का, मेरे स्क्वाड का जिन्होंने मेरी हेल्प की और ड्यूरिंग द मैचेस आमिर भाई सब ने जिस तरह सपोर्ट की, लेकिन जब स्कोर मेरा 173 था, मुझे यकीन था मेरे बॉलर्स बहुत अच्छे थे, एक दो विकेट ही हमने इनकी लेनी थी, उसके बाद एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। कॉम्बिनेशन आपने बहुत बेहतर बना रखा है, बिकॉज लेफ्टी बॉलर्स एक उसके बाद दूसरा फिर तीसरा इस्तेमाल और लगातार स्कल में मैं देख रहा था कि लेफ्टी बॉलर्स का इस्तेमाल काफी बेहतर चल रहा था, दूसरे बॉलर्स को ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं किया और आखिर में जाके साथ जो है वो बॉल कर रहे थे, लेफ्टीज को एक दूसरे के पीछे बिल्कुल रखा हुआ था आपने। बेसिकली विकेट में काफी टर्न था और पूरे टूर्नामेंट में मैंने एक ही बॉलर के साथ खेला, साथ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जो भी मेरे तीनों स्पिनर थे उनके साथ मुबीन ने भी काफ़ी हेल्प की, मुझे किसी और दूसरी बॉलर को या किसी और चेंज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओवरऑल क्या कहेंगे टूर्नामेंट के बारे में, कैसा रहा और किस तरह से माहौल पाया आपने, जिस तरह के ग्राउंड है, फ्लड लाइट में फाइनल हुआ, क्या कहेंगे टूर्नामेंट के बारे में, दमयाल थंडर्स की सेफर्ट के बारे में? दमयाल थंडर्स आमिर भाई और जो ये जो टूर्नामेंट है मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ आमिर भाई को कि ये एक फैमिली टूर्नामेंट है, फ्रॉम स्टार्ट से लेकर टिल एंड तक जैसे भी ये टूर्नामेंट पहले जैसे हुआ करते थे एज कम्पेयर टू पहले ऑर्गेनाइजर जैसे होते थे, इन्होंने पूरा ही सेटअप ही चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप कहीं दूर से आके खेल रहे हैं या नहीं, हालांकि अब सबको तकरीबन दो दो तीन तीन घंटे लगते हैं यहाँ पे खेलते हुए, लेकिन ऐसा लगता है बल्कि आज मुझे अफसोस हो रहा है कि ये टूर्नामेंट खत्म हो रहा है बेसिकली। जब फाइनल का पता चला, आखिरी क्वेश्चन करूंगा उसके बाद आपको जाने दूंगा, जब पता चला कि फाइनल दमयाल थंडर्स के साथ है तो जहन में क्या था, इसीलिए जीत जाएंगे या नहीं, मैच फंसेगा? मेरी तो ये खुशी थी, मैंने हमेशा आमिर भाई को कहा कि मेरी टीम जीते या आमिर भाई की टीम जीते एक ही बात है।
इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा यहाँ पर रनर अप टीम कैप्टन द वन एंड ओनली आमिर रफीक विद अ बिग हैंड जी. आमिर रफीक विन एंड लूज इज द पार्ट ऑफ गेम. सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा स्पार्टर टीम के बारे में, कैसा रहा फाइनल खेल? सबसे पहले तो मैं स्क्वाड्रन टीम की शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से उनके दिल से. अपनी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? 173 कंप्लीट करना था, पहले 6 ओवर में 3 स्कोर था और उसके बाद विकेट भी कोई ज्यादा देर टिकी नहीं, कोई भी आपको स्टैंड देखने को नहीं मिला, कोई भी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली. आज क्या रहा, क्या बैटिंग का कुछ सीन, फ्लॉप सीन क्या कहेंगे, क्या वजह है जिस वजह से बैटिंग उस तरह से जम नहीं पाई? फाइनल का प्रेशर कौन सा था वो मेरे को ले लिया, हालांकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था, अगर ये विकेट के ऊपर स्टे करते तो आई थिंक सो मैच काफ़ी बेहतर होता, लेकिन जो भी बैट्समैन गया उसने जिम्मेदारी के साथ में खेले जिसकी वजह से. आई थिंक सो ये दूसरा फाइनल है जो कि आप दनियाल थंडर प्रीमियर लीग का दूसरे फाइनल में आपने क्वालिफाई किया और पिछला फाइनल आखिरी बॉल छक्के पे गया था, लेकिन ये फाइनल एक बड़े मार्जिन के साथ लूज हुए. अपकमिंग फाइनल के लिए अगर होता है इंशाल्लाह, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो स्ट्रेटेजी चेंज होगी डेफिनेटली, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल चेंज करेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे हम सीखेंगे कि किस जगह से हमारे कौन सी मेरी मिस्टेक्स हैं, इंशाल्लाह ताला उसे ओवरकम करके अभी कल ही मैच है हमारा और बिग बैश का इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी करेंगे वो वाला टूर्नामेंट. Thank you, जी बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैच. और बिना टाइम इस्तेमाल किए यहाँ पर मैं गुजारिश करूंगा चौधरी साकिब साहब को कि प्लीज जरा से आगे आ जाइएगा. चौधरी साकिब साहब आज हमारे साथ मौजूद, आज के हमारे मौजूद मेहमान, और इनके हाथों से हमारे इस टीम के नए मेंबर, बल्कि मेंबर काफी पुराने हैं लेकिन उनके लिए किट का एक खूबसूरत तोहफा है दमयल थंडर की जानिब से आपके भरपूर तालियों में. फयाज से मेरी गुजारिश, प्लीज अपने किट वसूल कीजिएगा यहाँ पर हमारे दमयल थंडर का बेहतरीन हिस्सा फयाज यहाँ पर चौधरी साकिब. इधर देखो आज के हमारे मौजूद मेहमान चौधरी साकिब साहब के हाथों से ये खूबसूरत इनाम. इसके बाद ज़ियाउल्लाह साहब से मेरी गुजारिश, ज़ियाउल्लाह साहब से मेरी गुजारिश इनके हाथों से एक और खूबसूरत इनाम, एक जबरदस्त किस्म का इनाम मैं कहूंगा, क्योंकि अगर ये ना हो तो इस फाइनल के या इस मैचेस के और इस ग्राउंड के ये तमाम तर जो लम्हात हैं वो हमारे उन दिलों तक ना पहुंच सके जो क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं और क्रिकेट से जुड़ा रहना चाहते हैं. कैमरे की आंख में इस तमाम तर लम्हात को कैद करते हुए वो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है विद बिग हैंड सतार भाई से मेरी गुजारिश. प्राइम स्पोर्ट्स आ जाए जी सतार भाई, मीडिया पार्टनर के लिए खूबसूरत तोहफा, ये शील, ये याद आपको हमारी याद दिलाती रहेगी. और थैंक्स अ लॉट. इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अली मिन्हास, राजा अली मिन्हास साहब से, प्लीज राजा अली मिन्हास साहब से मेरी गुजारिश इनके हाथों से हमारे आज के वो पर्सनालिटीज जिन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया और हमारे मोहतरम भी हैं वो पर्सनालिटीज जिन्होंने फाइनल तक दमयाल थंडर प्रीमियर लीग का एक अहम हिस्सा रहे. मैं गुजारिश करूंगा द बेस्ट अंपायर ऑफ दिस टूर्नामेंट शाहीन इकबाल विद अ बिग हैंड. Most respected Shaheen Iqbal, Dhamal Thunder Premier League ka behtareen hissa, cash prize with a unique. Idhar yes. Ab agli picture le idhar dekhe Shaheen, cash prize hai kya? That's great. Thanks a lot. इसके बाद मैं राजा एहसान मिन्हास से गुजारिश करूंगा, प्लीज जरा सा आगे आ जाइएगा इनके हाथों से एक और खूबसूरत इनाम यहाँ पर हमारे अंपायर, स्टेट अंपायर के साथ, बल्कि अंपायर के साथ एक बेहतरीन साथ रहा, अंपायरिंग करते रहे सैयद शबीर शाह विद अ बिग हैंड ऑनरेबल. आउटस्टैंडिंग आज के हमारे ये अंपायर, बताता चलो ये अंपायर जो है वो टीवी सीरियल एदे वफा में भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं विद अ बिग हैंड.
इसके बाद साकिब अबासी से मेरी गुजारिश, साकिब अबासी, साकिब अबासी से मेरी गुजारिश, साकिब अबासी के हाथों से आज के हमारे मौजूद मेहमान उनके लिए सवीनियर है और वो सवीनियर उनको हमारी याद दिलवाता रहेगा। पैरामाउंट स्पोर्ट्स इमरान भाई से मेरी गुजारिश, विद अ बिग हैंड इमरान भाई के लिए ये खूबसूरत याद, एमएल थंडर प्रीमियर लीग के साथ इनकी मोहब्बत और ये सवीनियर उनको हमारी याद दिलवाता रहेगा कि इन्होंने हमारा साथ दिया और इस इवेंट को खूबसूरत रंग देने के लिए। थैंक्स ऑल। जिसके बाद मैं गुजारिश करूंगा नवीद अबासी, नवीद अबासी से मैं गुजारिश, प्लीज जरा सा आगे आ जाएगा नवीद अबासी के लिए के हाथों से। यहां पर एक और सीनियर हमारे आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, क्रिकेट की दुनिया की बात की जाए, सपोर्टर की बात की जाए, क्रिकेट लवर की बात की जाए तो बेहतरीन पर्सनैलिटी आउटस्टैंडिंग राजा अदनान रियाज के लिए एक सीनियर है हमारे मौजूद मेहमान। ये याद आपको हमारी याद दिलवाती रहेगी, ये धमाल थंडर प्रीमियर लीग की ये शील्ड आपके साथ जाएगी। इधर डन, वापस ले लेना फिलहाल। इसके बाद कमेंटेटर के लिए थंडर प्रीमियर लीग के टीम कैप्टन टीम ऑनर जी आसिफ भाई के हाथों से जी तालियां आप बजा सकते हैं। थैंक्स सर जी। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मलिक हुमायूं से जी, मलिक हुमायूं प्लीज, मलिक हुमायूं जी, मलिक हुमायूं आज स्पॉटर की जानिब से परेशान कुन मैं कहूंगा वो प्लेयर जिन्होंने दमयाल थंडर्स के तमाम तर प्लेयर्स को परेशान रखा, चाहे वो बैटिंग हो और या बॉलिंग की फील्ड की बात की जाए। इंतजार की घड़ियां खत्म, सबके दिल ही धड़क रहे होंगे क्योंकि स्पॉटर के तमाम तर प्लेयर्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, लेकिन इन तमाम तर प्लेयर्स में जो ले उड़ा है आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, द वन एंड ओनली मुबीन। जबरदस्त किस्म का साथ दिया स्क्वाड्रन की टीम का मूवी डन। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जफर अबासी, जफर अबासी साहब के हाथों से एक और ये खूबसूरत किस्म का अवार्ड, फाइनल मैच में बेहतरीन कारकर्दगी, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट में कहूंगा, पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन किरदार अदा करते रहे, बैट्समैन को परेशान रखा है और जादुई फिंगर्स बॉल को इधर उधर करते रहे। जबरदस्त किस्म का नाम समीर अबासी, हैट्रिक की समीर अबासी ने, ये बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड समीर अबासी के नाम हुआ। और इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मुबीन भाई से, मुबीन शाहिद राजा हेड कोच स्टार आईसीसी, मुबीन राजा आज हमारे साथ मौजूद इस टूर्नामेंट की बेहतरीन पर्सनालिटी, इस ग्राउंड की हेड भी कहा जा सकता है, इस ग्राउंड को चार चांद लगाने में बेहतरीन किरदार है मुबीन का, मुबीन शाहिद राजा हमारे साथ मौजूद हैं और मुबीन या मुबीन भाई के हाथों से बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दमयाल फिल्डर की जानिब से दवा निडोली उस्मान विद अ बिग हैंड। उस्मान के लिए मजीद आसिफ भाई की जानिब से यहाँ पर कैश प्राइज मुबीन भाई के, मुबीन भाई के हाथों से यहाँ पर जबरदस्त प्राइस
टीम ऑनर की जानिब से उस्मान 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 आज फाइनल मैच था, एक बड़ा मैच था। आज इस तरह से इनिंग्स नहीं दिखा पाए जिस तरह से खेलनी चाहिए थी स्क्वाड्रन के अगेंस्ट। बॉलर मुश्किल थी, आज कुछ खेलने का मूड नहीं था। ऊंचा बोलो लेकिन पिछले मैचेस में आपने अच्छी इनिंग्स खेली, काबिले तारीफ इनिंग्स खेली। क्या देखते हैं मुस्तकबिल में, इस तरह की गलती दोहरानी चाहिए या नहीं? बेस्ट ऑफ लक हमारे साथ मौजूद है और आज के हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे दरमियान में हो और उनके कुछ अल्फाज हमारे साथ ना हो, देर तो हो रही होगी आई नो, बट मैं चाहता हूं कि उनके कुछ अल्फाज इन यंगस्टर के लिए जिन्होंने एफर्ट की है, फाइनल में जगह बनाई है स्पार्टन एंड दमाल थंडर्स के लिए। मैं गुजारिश करूंगा राजा अदनान रियाज से आपकी भरपूर तालियां। जी तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं टूर्नामेंट की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने एक शानदार टूर्नामेंट का इनेकाद फैसल टाउन में किया, और साथ में मैं फैसल टाउन की इंतजामिया और इनके ऑनर का भी बेहद खुशी है मुझे। उन्होंने एक बेहतरीन ग्राउंड यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का बनाया है, तो भाई आपको भी बहुत मुबारक हो और तमाम प्लेयर्स को भी मुबारक। एक खेलने के लिए बड़ी अच्छी जगह सब प्लेयर्स को मिली है। साथ में सबसे पहले मुबारकबाद मैं देता हूँ स्पार्टन्स को। आपका नाम भी मुझे बड़ा पसंद है, मेरी भी एक टीम है, मेरे ऑफिस की एक टीम है, उसका भी एक नाम है स्पार्टन, तो जबरदस्त है, वेल डन। मेरे ख्याल से आप एक मूवी है स्पार्टन, वहीं से आप लोगों ने इस नाम को लिया है, तो जबरदस्त यार, यू प्लेड वेरी वेल टुडे। अप्रिशिएट करूंगा मैं लूजिंग टीम को, लूजिंग टीम तो मैं नहीं कहूंगा, जिन्होंने मुकाबला किया, एक डिफेंडिंग टीम थी, जबरदस्त यार, आपके लिए भी ढेर सारी क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद के एक नवाही गांव के साथ है और वहाँ पे एक मैं छोटा सा टूर्नामेंट कराता हूँ, जहाँ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी इज्जत मिली है कि आप भाइयों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया और इतनी इज्जत दी है, जिसके लिए मैं तमाम इंतजामिया का, तमाम प्लेयर्स का एक दफा से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह टीम्स को प्रमोट करना, क्रिकेट को प्रमोट करना, लाइव मना दे आपको प्राइम स्पोर्ट्स बड़ी मेहनत किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी भी जहां पे जरूरत पड़ी प्लेयर्स को इंशाल्लाह मैं आप लोगों के शाना बशाना इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। वेंकू जी थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच इमरान भाई से मेरी गुजारिश, प्लीज आगे आ जाइएगा। इमरान भाई प्लीज आ जाइएगा और रन ऑफ टीम प्लीज वन बाय वन लाइंस में आते जाइएगा और ये मेडल जो है वो रनर ऑफ टीम्स के लिए फीमेल थंडर्स वन बाय वन आते जाइए एंड मेडल जो है वो पहनते जाइएगा वन बाय वन। टीम कैप्टन आमिर रफीक, इनके बाद जमात शाह, इसके बाद कासिद खान, कासिद खान के बाद आसिफ, आसिफ खान के बाद साजिद, साजिद खान और उनके बाद अदनान, अदनान के बाद इब्राहिम, दमाल फिटनेस आबिद, आबिद के बाद जमशेद, जमशेद के बाद अद्रीस मिर्जा, हमाद के बाद फयाज, फयाज के बाद जीशान, जीशान के बाद उस्मान, रियाज, रियाज के बाद शाहिद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा
राजा अदनान रियाज साहब से मेरी गुजारिश प्लीज विनिंग टीम को यहां पर मेडल्स विनिंग टीम से मेरी गुजारिश स्पार्टन्स वन बाय वन रो में आएंगे और वन बाय वन यहां से मेडल टीम कैप्टन अदनान अदनान के बाद अरकम 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 के बाद हाफिज तौसीफ हाफिज तौसीफ के बाद मंसूर मुबीन टेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए उनके बाद फैसल खटक फैसल खटक के बाद अरसलान के बाद उस्मान मुगल उनके बाद जमीर जमीर के बाद मनान मनान के बाद सात सात अरशाद के बाद सऊद दाऊद जी दाऊद के बाद खिजर एंड हमजा इसके बाद मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इमरान भाई को एक बार फिर से बुलाना चाहूंगा यहाँ पर इमरान भाई के हाथों से आज के दिन का रनर अप प्राइज ये ट्रॉफी दमयाल थंडर टीम कैप्टन के नाम एक बार तालियां हो जाएगी आमिर रफी टीम ओनर आसिफ हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस ट्रॉफी को वसूल करने के लिए सेकंड रनर अप प्राइज विद ट्रॉफी इमरान भाई पैरामाउंट स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स उनके हाथों से रनर अप टीम का ये प्राइज एंड ट्रॉफी इधर देखो आज हमारे साथ मौजूद इमरान भाई और आज के हमारे चीफ गेस्ट उसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी राजा अदनान रियाज आज के हमारे चीफ गेस्ट इस टूर्नामेंट के हुए रवा इनके हाथों से ये ट्रॉफी इंतजार की खड़े हुई खत्म एक बिग फाइनल के बाद एफर्ट्स के बाद टीम वर्क के बाद द वन एंड ओनली विनिंग टीम ऑफ टुडे स्पार्टन टीम कैप्टन अदनान विद अ बिग हिट अदनान रियाज साहब के हाथों से अजीब इत्तेफाक की बात है टीम कैप्टन का नाम भी अदनान है और राजा अदनान रियाज साहब के हाथों से ये ट्रॉफी अपने नाम करेंगे ग्रेट अचीवमेंट बाय स्पार्टन्स राजा अदनान रियाज साहब के हाथों से ये ट्रॉफी स्क्वाड्रन के टीम कैप्टन के नाम हुए आज के हमारे मेहमान राजा अदनान रियाज अली मिन्हास एहसान मिन्हास के हाथों से ये ट्रॉफी स्क्वाड्रन के नाम हुई अल्लाह ताला आपको हामी नासिर एक बार मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान इतने हूं कपड़े लाने का टाइम नहीं ये आगे रखी हमजा हमजा जान ये बोल सिर्फ ये वीडियो बना इसको मजा लग गया दस मिनट बाद शॉट तोड़ के चला लास्ट तरीका ये इधर देखना इधर थोड़ा पीछे आना सारे पीछे आना सर नहीं पीछे आ जा पीछे ज्यादा व्यू अच्छा आ रहा है भाईजान इधर से एक दो बिठा लें आप पीछे से बैठ नीचे आप चला रहे हो बोतल कौन खोलेगा बोतल कौन खोलेगा क्या होने लगा यार कब ले यार चलो बोल यूं करो भाई मिनट
अब्दुल मालिक देखिए अदनान भी इधर ही आएगा इधर यहां मेरे पीछे की चीज उनकी पिक्चर पिक्चर अच्छा केंद्र इसके बाद आ जाना चलो उनकी कर लेना पहले थोड़ी सी खींच ले मैं इन्हीं के सामने फिर इनका वो कर लेता हूं आ जाओ यार किधर अमर सारों को बुला लो ओ सारे ओए अस्सलाम वालेकुम जी प्राइम स्पोर्ट्स न्यूज़ में इस वक्त मेरे पास बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं स्पार्टन क्रिकेट क्लब के कैप्टन अदनान आज इतना बड़ा इवेंट्स जो दमयाल थंडर प्रीमियर लीग सीज़न 3 का ग्रैंड फाइनल मैच हुआ था दमयाल थंडर क्रिकेट क्लब और स्पार्टन क्रिकेट क्लब के दरमियान और स्पार्टन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जो उनका फैसला दुरुस्त है और उन्होंने जो अपना टारगेट दिया हुआ था 170-180 और 180 और 170 टारगेट देने के बाद उन्होंने इसको डिफेंड किया आइए इनसे आज बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई थैंक यू वेरी मच थैंक यू अदनान भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मेरी तरफ से मेरे स्पोर्ट्स चैनल की तरफ से आपने बहुत बड़ा टूर्नामेंट विन किया है और थ्रू आउट टूर्नामेंट आपकी बड़ी अच्छी आउट क्लास परफॉर्मेंस थी जैसे कि आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और आपने कहा था कि 170 रन मेरा टारगेट है तो माशाल्लाह आपने इस टारगेट को अचीव भी किया और आज बड़ी अच्छी एक पोजीशन के ऊपर आपने टूर्नामेंट को विन किया है पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह की काफ़ी हेल्प शामिल थी क्योंकि एक ऐसा स्टेज था कि हम एक्चुअली अगर क्वालिफाई करने की भी सिचुएशन नहीं थी लेकिन वी हेड अप हमने अपनी हेड्स अप किए और काफ़ी दोबारा मेहनत की दोबारा कम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया पूल मैचेस में और फिर हमने क्वालिफाई करना था रन रेट को इम्प्रूव भी करना था मैच भी जीतना था इम्प्रूव भी करना था हमने वो किया फिर सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल का काफ़ी डिफ़िकल्ट मैच था वो जीत के करते करते इस पे आए 16 टीमों में से हम बेस्ट टीम निकले और एक ही मैच पूरे टूर्नामेंट में हमारे बिल्कुल आप बहुत बेस्ट कम्बिनेशन के साथ फाइनल में उतरे हैं आपने जो प्लानिंग की हुई थी दमयाल थंडर के खिलाफ वो मुझे लग रहा है कि आपने 100% जो प्लानिंग की हुई थी उस पर पूरे फिट होते हैं एक्चुअली मैंने बिग बैश का मैच हुआ था वहाँ पर काफ़ी अरसे से मैं एक दूसरी टीम में खेलता था वेटरन बॉयज़ में मैंने इनको अगेंस्ट देखा था कि ये सारे बैट्समैन कैसे खेलते हैं तो उसकी वजह से पहले मैच दो मैचों में जब हमने टूर्नामेंट का स्टार्ट लिया था हमने पहले मैच में इन्हीं को हराया था और दूसरा ये था कि मैं जब मैचेस हुआ करते थे दमयाल के तो मुझे पता था एंड पे इन्होंने से फाइनल आना तो मैं इनके मैच ज़रूर आके देखता था हालांकि मेरा मैच नहीं होता था मैंने उस तरह से प्लान किया और जिस तरह मैंने प्लान किया आमिर को आउट किया उस्मान को आउट किया और अदनान को यही इनके मैन विकेट थी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो जो भी मैंने प्लान किया एवरीथिंग वर्क्ड बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल आपकी इसमें कोई शक नहीं दो ही नहीं है कि आपने थ्रू आउट टूर्नामेंट बड़ी आउट क्लास परफॉर्मेंस के साथ कैप्टनसी के साथ देखें कैप्टनसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक टीम के अंदर और आप अपनी पूरी टीम को एक साथ लेके चले हैं तो इसका क्रेडिट आप अपने आप को देना चाहेंगे मैं तो देता हूँ मैं तो क्रेडिट एक्चुअली सारी टीम को दूंगा मन्नान को दूंगा मन्नान अब्बासी ने मेरी काफ़ी हेल्प की मेरी जो टीम में कम्बिनेशन बना मैंने इस्लामाबाद और पिंडी के वो लड़के पिक किए जिनका मुझे पता था कि दे आर जेम्स और जो दूसरी टीम्स में खेला थे और मुझे पता था कि किसने कैसे खेलना है और जो जिस बंदे की जैसी एबिलिटी थी उसको उस हिसाब से चलाया बेसिकली आपने दमयाल थंडर प्रीमियर लीग सीज़न 3 का फाइनल मैच इस वक्त आपने अपने नाम ट्रॉफी कर लिया है आप अपने व्यूअर्स को शायकीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से मैं एक्चुअली यही कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी कोई देख रहा है इस वीडियोस को वो आए और पार्टिसिपेट करें जो भी जिस तरह का टूर्नामेंट स्टार्ट से लेकर एंड तक ख़त्म हुआ है एवरी वन विल इन्जॉय बेसिकली थैंक यू वेरी मच कांग्रेचुलेशन वेरी कांग्रेचुलेशन जी नाजरीन मैं इस वक्त स्टार शाह का होस्ट मौजूद हूँ म्यूजियम क्रिकेट ग्राउंड एफएटी इस्लामाबाद के अंदर यहाँ प्रीमियर थंडर लीग सीज़न 3 का फाइनल मैच लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था और ये टूर्नामेंट का फाइनल मैच स्पार्टन क्रिकेट क्लब ने बआसानी विन कर लिया है और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट में आपके साथ इसी तरह ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़